सबको कोरोना होगा। आया उस ऑफ करेगा। तो गाइस ये बैकग्राउंड देख के पता चल गया होगा, और ये रहा भाई, दिख रहा है थोड़ा सा, तो आज दिख जाएगा। तो जय भाई एकदम बोलिए, फाइनली हो चुका है। हाँ भाई ने 3 से 4 दिन का टाइम लिया था, उससे थोड़ा देर हो गया, मतलब 1 हफ्ता 10 दिन करीब हो गया। हाँ। जब लास्ट वीडियो बनाए थे तो सब भाई लोग पूछ रहा था कहाँ गया कहाँ गया। तो भाई इस बारे में आप कुछ बताओ कि लेट हुआ है। हाँ, लेट तो हुआ है किस लिए? किस लिए? कुछ अच्छी चीज के लिए ना। हाँ। कुछ ज्यादा देर वेट करना पड़ता है। मैं यही चीज सुनना चाहता था, तो चीज कैसा हुआ है? चीज कैसे हुआ? हम क्या बताएं? नहीं, मैं तो बता दिया, मेरी तरफ से मैं 100% सेटिस्फाई हूँ, उसी कारण उसको सजेस्ट किया हूँ गाड़ी। सजेस्ट किया और मेरा सजेशन भी होगा भाई, गाड़ी भाई जाए। मैं बोल दिया हूँ, उसके ऊपर कुछ बात नहीं किया, ये भी तारीफ करने वाला बात है। मैं बोल दिया ये लेने के लिए, यही ले लिया बस। बाकी तुम बताओ, बाकी बताते हैं रियाज भाई, आपको कैसे लगा भाई? बाइक बहुत अच्छा लगा, बाकी तो व्यूअर्स को बताएगा। हाँ, मतलब कलर वगैरह कैसे लगा? अभी तक बहुत अच्छा, अभी तक मंदिर रिवील नहीं किए कौन सा लिए क्या लिए, बहुत तो थोड़ी अच्छा। देर बाद सिनेमैटिक्स में देखना पड़ेगा। और आज भैया हम लोग का बीच में फर्स्ट टाइम है, तो भाई कैसे लग रहा है? हेलो, बहुत अच्छा लग रहा है। बाइक कैसे लगा भैया? बाइक ऑसम बाइक है, ऑसम बाइक है एक्चुअली। अच्छा, तो सभी का ड्रीम बाइक है, मतलब हो जाता है। तो भाई तुम कुछ बता दो, क्या ही और बताए, बाइक कैसे लगा यही बताओ, और कुछ नहीं। बहुत सही लगा, बहुत सही लगा ना, मतलब बहुत सही लगा। बस चलो थैंक यू, और देखते हैं बाकी सब भाई लोग अभी आ रहा है। कितना बजे था अभी? 4:30, 4:45 हो गया, 4 बजे आने वाला था, लेकिन अभी तक नहीं आया, हम भी लेट है। तो बहुत जोरों से बारिश हो रहा है तो इसीलिए। और ये टी शर्ट देख सकते हो, हाय उषा भाई, ये अगर पकड़ो ऐसे पकड़ना। सो ये टी शर्ट स्पेशल मैंने आज का डिलीवरी के लिए बनाया है, और ये जो ब्लाउज देख रहे हो तो ये कल मतलब अपना उमी भाई का डिलीवरी हुआ था, ये बाइक का, इसका डिलीवरी हो चुका था। बलून का कलर था वाइट और ब्लू, सो आज मैंने वाइट ब्लू और ब्लैक भी डाला है इसमें, क्योंकि अपना बाइक में वाइट ब्लू और ब्लैक है। तो बाइक अभी नहीं दिखाते, मतलब इस वीडियो में दिखेगा। और बहुत सारा भाई लोग लास्ट वीडियो में बोल रहे थे कि भाई पूरा वीडियो पकाया कुछ नहीं दिखाया, तो थोड़ा बहुत सस्पेंस खेलने में अच्छा लगता है। एंड बहुत सारा भाई लोगों ने कमेंट किया, तो कौन कौन भाई कमेंट किया, बहुत सारा भाई ने सही कमेंट किया, सही गेस किया है। चुका है कंप्लीट, अभी रात हो चुका है। सो घर पे आके फ्रेश होके आप लोगों से कुछ बातें करना है,
पता है आप लोगों का मन में बहुत सारा भाइयों का क्वेश्चन आएगा, अभी मेरा इंस्टाग्राम में आना चालू हो चुका है, तो आप लोग इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, उधर जल्दी अपडेट मिलता है। सो एडिटिंग ऑलमोस्ट चालू हो चुका है, तो कुछ ही देर में हो जाएगा, कल सुबह 10 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो मेरा टाइमिंग 10 बजे है सुबह, तो बहुत भाई लोग, ज़्यादातर भाई लोग जानते ही होंगे। अब आते हैं जो बहुत सारा भाइयों का मन में हो रहा है, मैंने भूसा बेच के भूसा क्यों लिया। एक चीज़ है, भूसा मेरे लिए परफेक्ट है। जो भाई लोग मेरे को बहुत दिन से फॉलो करते हो एंड अच्छे तरीके से फॉलो करते हो, सब कुछ देखते हो समझते हो, सो सब भाई को पता ये है कि मेरे को शॉर्ट राइड से ज़्यादा लॉन्ग राइड ज़्यादा पसंद है, एंड मेरे को कंफर्ट थोड़ा चाहिए एंड लुक्स भी चाहिए, सभी चाहिए, और मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कंफर्ट। कंफर्ट मतलब हिसाब से हायाबुसा उतना भी कंफर्ट बाइक नहीं है, लेकिन और जो सुपर बाइक से मतलब टेनर हो, जिक्सर हो, या फिर आप 1000 RR बोल लो, या फिर फायरब्रेड बोल लो, जो भी हो, दुकाटी हो, तो सबसे अच्छा मतलब उस सबसे अच्छा कम्फर्ट देता है भूसा। और भूसा में कोई इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब जहाँ मन चाहे मैं ले जा सकता हूँ, तो उसमें उतना दिक्कत आता नहीं है। एंड जो सब ज़्यादा सेंसर्ड बाइक होता है तो उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है पहाड़ियों में, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, सेंसर फॉल्ट हो सकता है, तो इसीलिए वो सब है बहुत कुछ। और मेन रीज़न है भूसा लेने का कि मेरे को, जैसे कि आप लोगों को पता है, लॉन्ग राइड का शौक है, और लॉन्ग राइड में ज़्यादा अच्छा होता है एडवेंचर टूरर बाइक, जैसे कि मेरे को टाइगर, GS, ये दोनों बाइक बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत भाई लोगों को पता भी होगा। सो टाइगर, GS बहुत पसंद है, लेकिन अभी मैं इस वक्त दो बाइक अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर दो बाइक अफोर्ड कर सकता तो मेरा जो येलो वाला भूसा था वो मैं रख के टाइगर ले लेता, पक्की वाली बात था, टाइगर ले लेता अगर दो बाइक अफोर्ड कर सकता। अभी के लिए एक ही बाइक सही है मेरे लिए, वो भी बहुत है, एक ही बाइक जो है वो भी मेरे लिए बहुत है, मतलब जितना है बहुत है बुरालेगर अहमद से। और मेरा पापा का भी बहुत मन था भूसा लेने के लिए, क्योंकि मेरा पापा को भी बहुत ज़्यादा पसंद है भूसा, यस, और बहुत सारा भाइयों को भी पसंद है कि मैं भूसा ही लूँ। और मेरा भी कहीं ना कहीं मन था भूसा ही लेने का, क्योंकि टेनर मेरे को पोस्टर सही नहीं लगता है। बहुत सारा भाई ने कमेंट किया था, जो भाई ने कमेंट किया था थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोग देखते हो सुनते हो अच्छे से, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को कि ये जान के आप लोग इतना गहराई से देखते हो। TNR का पोस्टर मेरे को पसंद नहीं है, और 1000 RR का पोस्टर फिर भी सही लगता है। एंड सबसे बड़ी बात जो है 1000 RR जो है BMW, वो बहुत ज़्यादा हाई मेंटेनेंस है, उसी कारण से 1000 RR गया, और एल्स 1000 RR मेरे को बहुत सही लगता है, राइडिंग पोस्चर बैलेंसिंग सब है, आप लोग जानते ही हो। और मेरे को जिक्सर अभी लेना नहीं था, फायरब्लेड इसका पहले मेरे पास था, तो मेरे पास और कुछ ऑप्शन बचा नहीं, तो इसीलिए मैंने थोड़ा अपग्रेड कर लिया ABS वाला एंड थोड़ा करेंट वाला भूसा ले लिया। और बहुत भाई लोग बोलोगे कि फिर थर्ड जनरेशन ले लेते भूसा, तो थर्ड जनरेशन भाई न्यू आता है, अभी तो सेकेंड हैंड मिलेगा नहीं, मिलेगा भी तो प्राइस बहुत ज़्यादा रहेगा, उतना मेरा बजट है नहीं सीरियसली। तो जितना है मेरा बजट, जितना था मैंने उसी हिसाब से जॉय भाई को बोला, जॉय भाई ने बोला कि कुछ दिन वेट कर लो, बहुत अच्छा बाइक मिल जाएगा, तो बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह बाइक मिल गया है, इसके लिए थैंक यू सो मच आप लोगों सपोर्ट करने के लिए। अब से कुछ दिन वीडियो थोड़ा कम कम आ रहा था, इंशाल्लाह अभी से बहुत ज़्यादा आएगा। और आज के वीडियो में जो भाई सिनेमैटिक्स लिया है, मतलब अलग सिनेमैटिक लिया, अलग लेवल का सिनेमैटिक्स लिया, तो मेरे को बहुत ही पसंद आया। तो ये भाई फर्स्ट टाइम मेरा सिनेमैटिक्स वगैरह लिया है, तो पिक्चर्स वगैरह और भी आएगा इन फ्यूचर, सो कुछ प्लानिंग चल रहा है फोटोशूट के लिए, सो लेट्स सी क्या होता है, वो तो इंस्टाग्राम में पता चल ही जाएगा आप लोगों को। तो भाई का इंस्टाग्राम लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जा सकते हो, भाई को फॉलो कर सकते हो, एंड उसका बहुत सारा मतलब पिक्चर्स एंड क्या बोला जाता है उसको, अरे ड्रोन शॉट्स वगैरह, वीडियो रील्स बहुत अच्छा अच्छा भाई बनाया है, तो आप लोग जाके एक बार देख सकते हो, चेक कर सकते हो, अच्छा लगे तो सपोर्ट करो एंड बहुत कुछ देखने मिलेगा। सो यही बात था, जितना मन में था सब कुछ आप लोगों को बता दिए, एंड लेट्स सी आगे क्या होता है, होपफुली बहुत सही होगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे से वीडियो में, वो भी अपना ब्लू वाला भूसा के साथ। सो टिल देन बी 7 8 7 गाइस, बाय बाय।